हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज आपको ये नए डिज़ाइन का नया बैग बनाना सिखाता हूँ, सरल और आसान तरीके से। आइए दोस्तों, बैग शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह का बैग बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि हमने कपड़ा काट लिया है, तो इस पर हम इस तरह से निशान लगा लिया है। निशान लगा के इसको हम काट देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको काट दिया लगाएंगे इस तरह से, अच्छा डिजाइन आने के लिए। और इस तरह से इस पर तार लगा लिया, और ये दोनों साइड इस पर भी तार लगाना है। स्टिक रहेगा बैग। इस तरह से दोनों तरफ तार लगा लिया। कपड़ा लेंगे, इसमें इसको बैठाएंगे, इस तरह से ये काटेंगे, सिलाई लगाएंगे इसको, और इसी नाम से इसको ऐसे काटेंगे। इस तरह से भी सिलाई करके इसको भी इसके नाप से काट लेना है। इस तरह से सिलाई से काट लेना, तो पूरा डिज़ाइन बन गया। फालतू से वो काट देंगे अस्तर के। इस तरह से दोस्तों, ये भी काट लिया चारों तरफ से। अब एक चैन लेंगे 24 इंची का, दोनों तरफ इसमें 4-4 इंची की पट्टी लगाएंगे। इसको सिलेंगे आपस में, और फिर इसको जो हम इसके साइड में इसको सिल देंगे इस तरह से। दोस्तों इसको, और इसमें आप साइड में बिटिंग लगा देंगे। इससे क्या होगा कि धागे भी निकलेंगे, चैन नहीं फंसेगी, मजबूती और सेफ्टी रहेगी। इससे इस तरह से बिटिंग लगा दिया। और इसको बीच बीच में इसको नाप लिया हल्का, इसमें निशान लगा दिया, और इस साइड में रख के दोनों को आपस में जोड़ लिया। अब हम इसमें बिटिंग चलाएंगे। तो ऐसे दोस्तों बिटिंग होगी। बहुत आसान से बन जाते हैं, थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, हो जाएगा आराम से। देखिए, फॉर्म काटेंगे और फॉर्म इसके अंदर डाल देंगे। इसको नापेंगे 18 इंची होनी चाहिए, बाकी के नीचे का 4-4.5 इंची बैठेगा। इसको हम काट लेते हैं, इसके बाद इसको सिल लेते हैं इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये सिलाई मार देते हैं। इसमें मजबूती का भी ख्याल रखना दोस्तों। इस तरह से ये देखिए दोस्तों, 18 इंची का हमारा तैयार हो गया। इसके नीचे अस्तर लगा के इसमें सिल देना है दोस्तों। ये हमारा 18 इंची का आगे का हिस्सा तैयार हो गया। अब लेंगे इसका हैंडल बनाने के लिए 8 इंची, 8.5 इंची और 6.5 इंची का हमने काट लिया, फॉर्म काट लिया, और अस्तर के साथ ही हैंडल को रखेंगे। इसको इसमें सिलेंगे, इसके अंदर से अब अभी फॉर्म डालेंगे जो हमने ऑलरेडी काट के रखा हुआ, इसको डालेंगे बनेगा इस तरह से। दोस्तों 6.5 इंची का हमने जो काट रखा है, इसके ऊपर हमने सिल देना है। ये देखिए इस तरह से दो तरफ सिल दिया। अब इसके ऊपर जो 8.5 इंची के हमारे जो पल्ले थे, इसके ऊपर सिलना है इस तरह से। 3-3 सिलाई होएगी इस तरह से, 3 सिलाई होती है दोस्तों इसमें। और ये हो गया आपका।